शाही, तेरा शाही, मेरा शाही, दीन नबी का सच्चा भाई। वो पहला दर्जा मुसलमान का, ये दर्जा मोमन का। जब नस नस में नूर चला गया तो ये दर्जा मोमन का। इसके बाद फिर वलायत शुरू होती है। वलायत तुझे आसमानों से नहीं आती, वलायत तुम्हारे अंदर मौजूद है। जो भी बच्चे इस दुनिया में आया वलायत का राज लेके आया, हाँ काफिर का, हिंदू का, मुसलमान का, कि शायद काफिर भी मुसलमान हो जाए और ये राज सीख ले। और तारीख हुआ है कि काफिर के बच्चे भी मुसलमान होके बड़े बड़े वली बन गए। तुम्हारे जिस्म में कुछ मखलूकें हैं, सात मखलूकें हैं, उनको लताहे बोलते हैं, नौ उनके खलीफे हैं, उनको जुस्से बोलते हैं, नौ जो सात सोलह मखलूकें हैं इस तुम्हारे ढांचे में बंद हैं। अब वो तुम्हारे अंदर नसों के अंदर है। जब तुम्हारी नसों में अल्लाह अल्लाह का नूर जाना शुरू हो गया तो वो जो अंदर मखलूके हैं उनको गजा मिलना शुरू हो गई। उनकी गजा अल्लाह का नूर है। जब उनको गजा मिलना शुरू हो गई तो वो अंदर बेदार हुई। जब बेदार हुई तो फिर उन्होंने भी अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया। वो तुम्हारी नशों में, नशों के लिए जो अंदर मखलूके हैं उन्होंने अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया। अब तुमने देखा होगा कि खाब में यहां सोते हो, दूसरे शहर में घूमते हो, तुम नहीं होते, लेकिन तुम्हारे अंदर की कुछ चीज होती है जिसका नाम है लतीफा नफ्स। उसका तल्लक जिन्नों से है, वो शैतानी महफलों में घूमता रहता है। अब तुम्हारे अंदर जब वो अल्लाह का नूर गया तो वो रहमानी ताकतें भी जाग उठी। अब तुमने खाम में देखा कि हजूर पाक के रोजे के गिर्द मंडला रहे हो, खाना काबा का तोहफ कर रहे हो, वलियों की दरबारों की तरफ तुम्हारा रुख हो गया। वो उस चीज है जो अंदर जाग उठी। 12 साल अंदर अल्लाह अल्लाह होती रही। 12 साल में वो जो मखलूके हैं वो बिल्कुल जवान हो गई, बालग हो गई, अल्लाह के नूर से बिल्कुल बालग हो गई। जब वो बालग हो गई तो अब सोने की जरूरत नहीं है। अब तुमने सोचा, देखे हजूर पाक क्या कर रहे हैं, तुमने सोचा वो इस सीने से निकलकर हजूर पाक के कदमों में। बुल्ले शाह फरमाते हैं, लोकी पन वेले आशिक हर वेले, लोकी मसीती आशिक कदम। कि जो लोग 5 वक्त रब को याद करते हैं उनकी इंतहा मस्जिद है, बाजमात हो जाएंगे और क्या करेंगे। लेकिन जो लोग इसके साथ और अल्लाह अल्लाह भी करते हैं वो हजूर पाक के कदमों में पहुंच जाएंगे। कदमों में पहुंच गए, नवाजे तो गए। अब तुमने सोचा, देखिए ऊपर क्या हो रहा है, तुमने सोचा वो चीजें ऊपर प्रवास कर गई। फरिश्तों ने रोका, नहीं रुकी, कहने लगे जो कुछ भी है बैतुल मामूर से आगे जल जाएगा, वहां तो फरिश्ते भी नहीं जा सकते। और वो बैतुल मामूर से भी आगे चली गई, वहां पहुंच गई जहां रब की जात है। जहरी जिस्म से हजूर पाक वहां पहुंचे और इन मखलूकों के जरिए वली वहां पहुंचते हैं। उस वक्त फरिश्ते कहते हैं कि बाकी इंसान असल मखलूकात है, हम बैतुल मामूर से आगे नहीं जा सकते, ये वहां से भी होकर आ गया जहां रब की जात है।